हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड देखते देखते ही देखते हम लोग लेक्चर पे पहुंच गए हैं ऑफ सीरीज और आज के लेक्चर में हम करेंगे एम ऑन सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट राइट और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो एम लेक्चर की सीरीज है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी तो इन वीडियो की मदद से पढ़िए अच्छे से पढ़िए मन लगा के पढ़िए अच्छे से तैयारी करिए और अगर इस तीस मिनट के लेक्चर से आप कुछ नया सीखे कुछ नॉलेज गेन करें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए राइट तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन इन चारों में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है ठीक है दिस इज द क्वेश्चन ठीक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे आप किसी भी बुक से पढ़िए यूनिट वन में एक टॉपिक आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये एक टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट वन में होता है आप किसी भी किताब से पढ़िए ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है ये एक टॉपिक आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए थोड़ा सा पहले मैं बता देती हूँ आपको खुद ही आप गेस कर सकेंगे कि बता सकेंगे कि आंसर यहाँ पे कौन सा है ठीक है तो क्या था कि पहले जो है फाइनेंशियल गोल होता था ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन

टोटल प्रॉफिट की प्रॉफिट पर शेयर तो कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ये क्लियर नहीं था तो ये एक थी इस में। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी इग्नोर किया गया था तो ये जो ऑब्जेक्टिव था पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए फिर इसका ऑल्टरनेटिव इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा ऑब्जेक्टिव uh, सेट किया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दैट वॉज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फर्म है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एट शेयर शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे ठीक है बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दिस इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ठीक है तो बताइए आंसर क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आउटसाइड द परव्यू ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारी ही एक्टिविटी ये जो चारों एक्टिविटी है इनमें से कौन सी एक्टिविटी आउटसाइड द परव्यू ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जिसमें एक डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है ठीक है ऑप्शन एक बार रीड कर रही हूं सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंड अगला है डिसाइडिंग ऑन द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ फंड अगला है डिसाइडिंग ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ठीक तो ये चार ऑप्शन दिए तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन और इसी से रिलेटेड कुछ तीन और डिसीजन है उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ फिर इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही कर लेंगे ठीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट वन में ही आप एक टॉपिक पढ़े पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं या इसको कुछ बुकों में फाइनेंस फंक्शन के नाम से भी है फाइनेंस के क्या क्या फंक्शन है ठीक है तो चार इंपॉर्टेंट डिसीजन है या कह लीजिए चार इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंस के ठीक है क्या क्या फंक्शन है सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं इसको डिसीजन कहती हूँ ठीक है तो चार इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं सबसे पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या जिसको लॉन्ग टर्म एसेट मिक्स डिसीजन भी कहते हैं ठीक है तो ये पहला डिसीजन लेना होता है किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर को दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन या जिसे कैपिटल मिक्स डिसीजन भी कहते हैं ठीक है फाइनेंसिंग डिसीजन या जिसको कैपिटल मिक्स डिसीजन भी कहते हैं दूसरा है डिविडेंड डिसीजन ठीक है डिविडेंड डिसीजन या जिसको प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन भी कहा जाता है ठीक चौथा क्या है लिक्विडिटी डिसीजन ठीक है या इसको शॉर्ट टर्म एसेट मिक्स डिसीजन भी कहा जाता है ठीक है तो ये चार इंपॉर्टेंट डिसीजन है कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड डिसीजन और लिक्विडिटी डिसीजन तो फाइनेंस के ये चार इंपॉर्टेंट डिसीजन है अब मैं थोड़ा थोड़ा बस इन चारों के बारे में बता दे रही हूँ ये जो पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या जिसको लॉन्ग टर्म एसेट मिक्स डिसीजन या जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये वर्ड आपने सुना होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये भी कहा जाता है इसमें बेसिकली ये जो पहला है इसमें बेसिकली डिसाइड किया जाता है ऑफ द एलोकेशन ऑफ कैपिटल और कमिटमेंट ऑफ फंड टू लॉन्ग टर्म एसेट यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड को ठीक है किन लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करे ये डिसीजन लिया जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ठीक है दूसरा क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि व्हेन वेयर एंड हाउ टू एक्वायर द फंड व्हेन मतलब कब कहा से और कैसे फंड एक्वायर किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वेस्टमेंट की नीड है उसे फुलफिल किया जा सके ठीक है तो ये होता है, में, के बारे में ही बात हो रही है अगला क्या है डिविडेंड डिसीजन यानी डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी प्रॉफिट हुआ है पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर ले या पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास रख ले या एक पोर्शन प्रॉफिट का एक पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे तो बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में डिसीजन लिया जाता है ठीक ये होता है डिविडेंड डिसीजन अगला क्या है लिक्विडिटी डिसीजन लिक्विडिटी डिसीजन मतलब फर्म को डिसाइड करना होता है कि फर्म कितना इन्वेस्टमेंट करे करेंट एसेट्स में यानी लिक्विड फॉर्म में कितना पैसा रखे क्योंकि ये जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर लिक्विडिटी लो होगी ना तो इट विल एडवर्सली इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी कम होगी ना तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ठीक है तो इसलिए एक प्रॉपर बैलेंस रखा जाता है तो दिस इज लिक्विडिटी डिसीजन तो ये चार इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पे चारों ही ऑप्शन पढ़ के बता सकते हैं कि कौन सा आंसर है क्वेश्चन क्या था कि फाइनेंसिंग डिसीजन इसमें से कौन सा नहीं है ठीक है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड तो ये तो फाइनेंसिंग डिसीजन है मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर करना कॉस्ट ऑफ फंड मेजर करना तो ये भी फाइनेंसिंग डिसीजन है डिसाइडिंग ऑन द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ फंड कब फंड रेज करेंगे ये भी फाइनेंसिंग डिसीजन है डिसाइडिंग ऑन द यूटिलाईजेशन ऑफ फंड फंड को यूटिलाइज कहां करेंगे तो दिस इज कैपिटल बजेटिंग डिसीजन ये कैपिटल बजेटिंग डिसीजन है ये फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ठीक अच्छा एक बात और है मैं थोड़ा सा इसको मैंने डिटेल में बताया इसका रीजन ये है कि एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं हर बार कहती हूँ इस बार भी कह रही हूँ कि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए ठीक है मेरा पर्पज क्या है कि आप इन क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझें ठीक है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको एग्जाम में कुछ भी चाहे जितना घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए यू कैन आंसर तो इसलिए मैं सोचती हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू थो आपको थोड़ा सा पूरा डिसीजन का ही कॉन्सेप्ट बता दें इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल में चली गई थी बट आप इसको टाइम वेस्ट मत समझिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अ फर्म हैज कैपिटल ऑफ टेन लाख एक फॉर्म है उसका कैपिटल है टेन लाख का सेल्स है फाइव लाख की ग्रॉस प्रॉफिट है टू लाख का एक्सपेंसेस है वन लाख के ठीक है तो आपको पता करना है नेट प्रॉफिट रेशियो ठीक है आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है फिगर्स आपको दिए गए हैं तो हमने अकाउंटिंग रेशियोस पढ़े हैं ठीक है अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा है रेशियो एनालिसिस पढ़ा है है इवन मेरी सेपरेट वीडियो मैंने लगभग पांच लेक्चर्स में पांच वीडियोस में ये जो अकाउंटिंग रेशियो का पूरा टॉपिक है ये कवर किया है अगर आपको डिटेलिंग देखनी है तब आप वहां रेफर कर सकते हैं तो वहां पे मैंने नेट प्रॉफिट रेशियो भी डिस्कस किया था नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है याद करिए तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ये देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मुला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है परसेंटेज के टर्म में निकाले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से ठीक है चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन आपको कैपिटल दिया है सेल्स दिया है ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और एक्सपेंसिस दिए है ठीक आपको चाहिए क्या नेट प्रॉफिट ठीक है तो नेट प्रॉफिट तो दिया नहीं है बट हम जानते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें देन वी कैन गेट नेट प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में टू लाख एक्सपेंस कितना है वन लाख माइनस करेंगे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा वन लाख नेट प्रॉफिट आ गया वन लाख ठीक है अब हम नेट प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मुले में पुट करेंगे नेट प्रॉफिट जो वन लाख ,00 है डिवाइडेड बाय सेल्स जो फाइव लाख ,00 है मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट यानी नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया ट्वेंटी परसेंट तो यहां पर आंसर क्या होगा बताइए यहां पे आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग इज स्पेशली डिजाइन फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट इसमें से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा इक्विटी फाइनेंसिंग का फॉर्म है जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में यूज होता है ठीक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूं आपको बताना है ये जो चार फाइनेंस करने के इक्विटी फाइनेंस करने के ये जो चार फॉर्म्स हैं ये चार मोड जो है इसमें से कौन सा फॉर्म यूज होता है फॉर फाइनेंसिंग द हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में कौन सा यूज होता है ठीक तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन चारों के बारे में बता देती हूँ आप खुद ही आंसर कर लेंगे सबसे पहला है एडीआर एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ठीक है एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये क्या होता है ये एक निगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है जो इशू कौन करता है यूएस डिपॉजिटरी बैंक यूएस के जो डिपॉजिटरी बैंक होते हैं ये इशू करते हैं और एडीआर रिप्रेजेंट करता है सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी के कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर रिप्रेजेंट करता है एडीआर और एडीआर के थ्रू यूएस इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं यूएस इन्वेस्टर ओवरसीज कंपनी बाहर की कंपनीज के स्टॉक परचेज कर सकते हैं दिस इज द बेनिफिट ऑफ एडीआर ठीक दूसरा है जीडीआर जीडीआर इज ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट ठीक है जीडीआर क्या है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये भी एक बैंक सर्टिफिकेट है बट इसे इशू किया जाता है मोर देन वन कंट्रीज में एक से ज्यादा कंट्रीज में इसको इशू किया जाता है फॉर शेयर इन फॉरेन कंपनी जी के थ्रू भी फॉरेन कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं ठीक है और जी एक से ज्यादा कंट्रीज में इशू किए जाते हैं तो दिस इज जी राइट अगला थोड़ा सा बता देती हैं एफ बताइए एफ का फुल फॉर्म क्या है एफसीसी बी इज फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ये कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं काइंड ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड विच इज इशूड इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द इशूअर्स डोमेस्टिक करेंसी जो एफ सीसी बी है उसको इशू किया जाता है फॉरेन करेंसी में ठीक है करेंसी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इशूअर डोमेस्टिक कंट्री करेंसी यानी जो है जो इशू कर रहा है उसकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें न इशू करके फॉरेन करेंसी में इसको इशू किया जाता है और ये कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं तो बेसिकली एफ बी से ऑर्गेनाइजेशन रेस कर सकती है फंड इन फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी में फंड रेज कर सकती है ठीक है दिस इज एफ अब आ जाते हैं वेंचर कैपिटल पे तो वेंचर कैपिटल भी इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ये एक तरीके की फाइनेंसिंग है जिसमें इन्वेस्टर्स किसमें इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में ठीक है स्टार्टअप सुना है ना इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest करते हैं स्टार्टअप्स में स्मॉल बिजनेस में ठीक है उन स्मॉल बिजनेस उन स्टार्टअप्स में जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो ठीक है तो अगर ये स्टार्टअप है तो इनमें थोड़ा रिस्क भी होगा और इनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होगा तो इसलिए रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं इसमें ठीक है तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है अब मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया है तो मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है तो यहाँ पे आंसर इज वेंचर कैपिटल आंसर क्या होगा वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल इज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग जहां पे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि यहां पे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाता है स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है इसलिए ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट रेशियो में डिनोमिनेटर में क्या आता है ठीक है इन नेट प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज तो अभी मैंने आपको नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला बताया है शायद लास्ट स्लाइड में हो तो नेट प्रॉफिट ये देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है दिस इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या है टोटल सेल्स ठीक तो यहां पे आंसर क्या होगा आंसर इज टोटल सेल्स या नेट सेल्स ठीक है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है एक बार मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां जाके जरूर चेक करिएगा ठीक है जो मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड पढ़ाया है तो इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस राइट तो फिर चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज रुपीज टू हंड्रेड लाख एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है कितने का टू हंड्रेड लाख का एनपीवी की वैल्यू बताई गई है फिफ्टी लाख यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनफ्लो आपको अमाउंट ऑफ इनफ्लो पता करना है ठीक है इन्वेस्टमेंट है इतना एनपीवी है फिफ्टी लाख तो आपको अमाउंट ऑफ इनफ्लो पता करना है ठीक तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज एनपीवी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू तो एनपीवी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ एनपीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऑफ कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन को जब ये डिसीजन लेना होता है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें एक टेक्निक है एनपीवी तो एनपीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऑफ कैपिटल बजटिंग जिसमें एनपीवी की वैल्यू को देख करके डिसीजन लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे ठीक है इसमें क्या होता है एनपीवी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और अगर एनपीवी की वैल्यू लेस देन जीरो कर भी सकते हैं फिर कुछ दूसरे टूल्स लगाए जाते हैं ठीक है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी ठीक तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को करते हैं तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है एनपीवी का फॉर्मूला होता है नेट सॉरी एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एन फ्लो यानी जो भी कैश एन फ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिस इज द ऑफ एनपीवी ये एनपीवी का फॉर्मूला है ठीक है तो चलिए सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है क्वेश्चन में हम इसमें पुट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो एनपीवी बताया गया है फिफ्टी लैख है इनफ्लो आपको फाइंड आउट करना है और आउटफ्लो यानी इन्वेस्टमेंट कितना है टू हंड्रेड लैख ठीक है तो यानी सारे फिगर्स तो दिए हैं पुट किया आपने और इनफ्लो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इनफ्लो कितना आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट इनफ्लो इज टू फिफ्टी लैख आसानी से आ गया फॉर्मुला पता होना चाहिए तो एनपीवी क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ठीक तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन डी टू फिफ्टी लैख ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या है करंट एसेट आपको कैलकुलेट करना है ठीक है? तो मैंने बताया था accounting ratio में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है चलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सोल्व किया हुआ है यहीं से देखते हैं तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी आपने करंट रेशियो भी पढ़ा है ना करंट रेशियो में क्या होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी लेकिन ये जो लिक्विड रेशियो होता है ये क्या होता है लिक्विड लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट ठीक है एसेट और करंट एसेट ये जो लिक्विड एसेट है और ये जो करंट एसेट है इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है केवल क्या डिफरेंस है करंट एसेट में से जो इन्वेंट्री है उसको माइनस कर दीजिए इन्वेंट्री और एक और आइटम प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दीजिए देन इट विल कन्वर्टेड इंटू लिक्विड एसेट ठीक है ये लिक्विड एसेट में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड एसेट बेसिकली क्या होता है वो एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है उन्हें कहा जाता है लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री जिसे हम स्टॉक कह सकते हैं एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दे आर नॉट पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट वो लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होते हैं ठीक है तो क्वेश्चन में आपको करंट एसेट दिया है इन्वेंट्री दिया है करंट लाइबिलिटी दिया है ठीक है तो उसकी मदद से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हम निकालेंगे लिक्विड एसेट तो लिक्विड एसेट क्या होता है करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस करिए या इन्वेंट्री को माइनस करिए तो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट तो वही मैंने यहां पे किया है करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस किया करंट एसेट कितना है क्वेश्चन में ट्वेंटी लाख Inventory कितने की है 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 किया और current liability कितनी है? 10 ,00 ,00. सारे figure आपको दिए गए हैं उठा के करिए करिए आपका answer आ जाएगा ठीक तो इस तरीके से किया जाएगा तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एनुअल क्रेडिट सेल इज फोर लाख जो एनुअल क्रेडिट सेल है वो फोर लाख ,00 है एवरेज कलेक्शन पीरियड फोर्टी फाइव डेज है अज्यूम करना थ्री सिक्सटी डेज है ईयर में ये जो है ना कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए दिया गया है कि डेज है तो आपको बताना है एवरेज डेटर ठीक आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है एवरेज क्रेडिट सेल दी है कलेक्शन पीरियड दिया है और ईयर बताया गया ठीक है तो आपको एवरेज डेटर्स निकालना है ये जो क्वेश्चन है ना ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये उसका क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व किया हुआ है चलिए देखते हैं आपको एनुअल क्रेडिट सेल दी गई है फोर लाख कलेक्शन पीरियड एवरेज कलेक्शन पीरियड या इसको डेटर कन्वर्जन पीरियड भी कहते हैं कलेक्शन पीरियड यानी डेज में डेटर से पैसा कलेक्ट हो रहा है ठीक है तो इसे कलेक्शन पीरियड भी या डेटर्स कन्वर्जन पीरियड भी कहा जाता है तो ये कितना है फोर्टी फाइव डेज आपको एवरेज डेटर कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला जानते हैं डेटर कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है दिस इज एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई एनुअल क्रेडिट सेल डिडेड बाई डेज इन अयर ठीक है तो यहां पर दिस इज द फॉर्मूला सारे फिगर आपको दिए गए हैं उठा के पुट करिए यू विल गेट द आंसर ठीक है यहाँ से फिगर सारे उठाइए और यहाँ इस फॉर्मुले में पुट करिए डेटा कन्वर्जन पीरियड कितना है फोर्टी फाइव डेज ये आपने रखा है एवरेज डेटा ये तो हमें फाइंड आउट करना है एनुअल क्रेडिट सेल फोर लैख बताया गया है कितने डेज है ईयर में थ्री सिक्सटी डेज है ठीक है सारे फिगर पुट करिए ठीक है ये यहाँ पे डिवीजन है इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करने में इसको पलटना होता है ठीक है तो आपने इसको पलट दिया और जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका आ गया एवरेज डेटर इज फिफ्टी थाउजेंड ठीक एवरेज डेटर आ गया फिफ्टी थाउजेंड तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज ई बी आई टी डिड बाईटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाईटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाईटी नन ऑफ दीज ठीक है तो ये चार ऑप्शन है अच्छा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है तो थोड़ा सा पहले मैं लिवरेज के बारे में बता देती हूँ लिवरेज क्या होता है रिलेटिव चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स ठीक है प्रॉफिट में कितना चेंज आता है जब सेल्स चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड लिवरेज ज क्या है रिलेटिव चेंज इन प्रॉफिट प्रॉफिट में कितना चेंज आता है जब सेल्स चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड लेवरेज ठीक है हाई डिग्री ऑफ लेवरेज मतलब अगर किस कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवरेज हाई है इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ लार्ज चेंज इन प्रॉफिट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा चेंज आता है ड्यू टू रिलेटिव स्मॉल चेंज इन सेल्स सेल्स में थोड़ा सा चेंज करने से ही प्रॉफिट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है ठीक है तो दिस इज दिस मीन्स हाई डिग्री ऑफ लेवरेज ठीक है और लेवरेज में हम दो सेंस में यूज करते हैं एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज और दूसरा होता है ऑपरेटिंग लेवरेज ठीक है ये जो लेवरेज है दो सेंस में यूज होता है एक फाइनेंशियल लेवरेज और एक ऑपरेटिंग लिवरेज इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में बात हो रही है ठीक है तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ये थोड़ा सा बता देती हो इसका फॉर्मूला क्या है इसके दो फॉर्मले हैं मेरी पेन कहा गई हाँ ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है इसके दो फॉर्मले हैं पहला फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरी पेन ढंग से चल नहीं रही है तो आपको थोड़ा सा समझना होगा आ, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का पहला फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स ठीक है दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है पहला फॉर्मूला ये है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स ठीक है ये एक फॉर्मुला है इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी ठीक है ये दूसरा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का पूछा गया है एक पर मैं दोनों बता दे रही हूं क्योंकि क्या पता एग्जाम में दूसरा वाला फॉर्मुला पूछ लें ठीक है तो दूसरा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टी तो बताइए यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व क्वेश्चन ट्वेल्व क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज एट थाउजेंड ग्रॉस मार्जिन इज फाइव थाउजेंड आपको पता करना है रेवेन्यू ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है कितना है एट थाउजेंड ग्रॉस मार्जिन दिया गया है फाइव थाउजेंड आपको रेवेन्यू फाइंड आउट करना है ठीक तो जो ग्रॉस मार्जिन हमने ग्रॉस मार्जिन पढ़ा हुआ है ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला क्या है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला क्या है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है रेवेन्यू ना तो रेवेन्यू को इस तरफ ले जाते हैं तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा रेवेन्यू इज इक्वल टू ग्रॉस मार्जिन प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिस इज द फॉर्मूला ठीक है अब जरा देखिए ग्रॉस मार्जिन क्वेश्चन में दिए है क्वेश्चन हाँ, में दिया गया है फाइव के फाइव थाउजेंड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में दिया है हाँ दिया गया है एट के तो दोनों को सम करिए यू विल गेट द आंसर थर्टीन के ठीक है तो आ गया रेवेन्यू कितना होगा थर्टीन के आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रॉस मार्जिन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है तो यहां आंसर सही होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर राइट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो रुपीज टेन लैक फ्रॉम अ प्रोजेक्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेवन पॉइंट फाइव लैख आपको एनपीवी फाइंड आउट करना है ठीक है क्वेश्चन क्या है आपको इनफ्लो दिया गया है कैश इनफ्लो दिया गया है और इन्वेस्टमेंट यानी आउटफ्लो दिया गया है आपको एनपीवी फाइंड आउट करना है ठीक तो चलिए करना शुरू करते हैं बट मुझे लगता है कि अब आप हमने एक क्वेश्चन एनपीवी पे कर चुके हैं ऑलरेडी मुझे लगता है अब आप आसानी से कर लेंगे चलिए वैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है आपके लिए एनपीवी मैंने अभी बताया क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिस इज एनपीवी तो इनफ्लो कितना है कितना फंड आ रहा है टेन लाख आउटफ्लो कितना है इन्वेस्टमेंट कितना है सेवन पॉइंट फाइव सिंपली इसे माइनस करिए टू पॉइंट फाइव लैख दिस इज द आंसर बहुत आसान है ये तो एनपीवी के क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर राइट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कैश एंड बैंक ट्वेंटी थाउजेंड डेटर टू लैख स्टॉक टू लैख एटी थाउजेंड ठीक है करंट लाइबिलिटी दी गई है फिर क्रेडिटर है वन लैख के बिल पे बिल फिफ्टी थाउजेंड आपको पता करना है वर्किंग कैपिटल ठीक है आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कैश डेटर स्टॉक ठीक है क्रेडिटर बिल पेबल ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको पता करना है वर्किंग कैपिटल ठीक है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के बारे में बता देती हूँ वर्किंग कैपिटल देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है दिस इज द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है ठीक है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में दो कॉन्सेप्ट होते हैं एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेटवर्किंग कैपिटल ठीक है वर्किंग कैपिटल में ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब फॉर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट ऑर्गेनाइजेशन ने करंट एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है दिस इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नेटवर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी दिस इज वर्किंग कैपिटल ठीक है तो चलिए अब मैंने क्वेश्चन ये आपके लिए सॉल्व किया हुआ है तो मैंने अभी आपको बताया कि आइटम क्या है तो कैश दिया है क्वेश्चन में डेटर दिया है स्टॉक दिया है तो बेसिकली आपको इन सबको एड करके टोटल करेंट एसेट फाइंड आउट करना है तो कैश आपको ट्वेंटी थाउजेंड डेटर टू टू लैख और स्टॉक आपको 2.8 लाख ही आपको फिगर दिए गए हैं सिंपली आप इसको ऐड करिए यू विल गेट करंट एसेट आपका करंट एसेट आ जाएगा 5 लाख ठीक है ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी भी आपको दी गई है करंट लाइबिलिटी क्रेडिट और बिल करंट करिटी है सिंपली इनको सम करिए वन लाख और फिफ्टी थाउजेंड को सम करिए गेट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक फिर करंट एसेट हमें पता चल गया करंट लाइबिलिटी पता चल गया उठा के दोनों को फॉर्मले में पुट करिए यू विल गेट वर्किंग कैपिटल आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा कितना थ्री पॉइंट फाइव लाख तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजी है वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी सारे फिगर करंट एसेट के दिए हैं सारे फिगर करंट लाइबिलिटी के दिए हैं सिंपली सम करिए और उस फॉर्मुले में पुट करिए तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक तो चलिए दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स थैंक यू गॉड ब्लेस यू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर